1, 2, 3 स्टार्ट। ठुमक ठुमक जब गिटे चे तू पहाड़ी पटुमा, चम चमा पायल बजनी बजनी तेरे कुटमा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी चनहरा, लाल तेरे कंगन हाथों में चूड़ी चनहरा, चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, आय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के लंच के साथ, और आज हमारा लंच ना मॉर्निंग के टाइम पे ही बन चुका है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि हम लोगों ने ना दिन में मार्केट भी जाना है और फिर सभी लोगों का काम वगैरह होता है, तो मम्मी ने बोला ना दिन का खाना खा लो, उसके बाद जिसको जहाँ जाना है चले जाना। तो अभी हम लोग भी लंच करने के लिए जा ही रहे हैं घर को। दिन का लंच ना तैयार हो चुका है, भात सेकने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ना मम्मी पापा के बालों में ना मेहंदी लगा रही है। बाकी यहाँ पे पापा के मूछों में भी लग चुके हैं, आईब्रोज में भी लगे हैं, और सिल्की सिल्की बालों में भी कलर लग चुका है। पापा तुमको देख के गाना याद आ रहा मुझे, गाऊं? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। लंच तो रेडी हो चुका है, साथ में ना सभी के डिमांड है। सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग वैसे भी रोटी खाते ही थे नाश्ते में, तो आज ना रोटी भी देर में ही बन रही है। तो फटाफट से ना दीदी ने यहाँ पे मड़वे की रोटी बना दी है, और मैं सब्जी वगैरह गर्म कर लेती हूँ, फिर ना बाहर से बैठ के खाएंगे। बाकी एक भैया जी का ना कमेंट आया था, मोहन सिंह करके, और उनका कमेंट पढ़ के ना सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना उनका कमेंट पढ़ के। तो सच में हम लोग ऐसे ही हैं जैसे हम लोग आपको वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि क्या है कल का कोई भरोसा नहीं है, जो है आज के दिन को जी के चलो। और इसी के साथ ना हम लोग पूरा परिवार ऐसे ही रहते हैं। बदरंग में सतरंगा है तेरे, जो भी मैं। हम लोगों ने भी खाना बाहर से लगा दिया है, और खाने के साथ ना आज मूली का सलाद है, वो भी सिलबट्टे में थेचा हुआ, साथ में हरा नमक है जो सिलबट्टे में पीसा गया है अभी अभी। तो फटाफट से ना अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं। बाकी हमारे ना दो बच्चे गए हैं कराटे, क्योंकि आज उनकी ना 9 बजे से 1 बजे तक कराटे क्लास है, तो उनके ना अब ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि उनका ना कुछ फंक्शन है, यानी फंक्शन तो क्या मतलब जो भी होगा तो वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो उसी के दौरान ना वो लोग ट्रेनिंग वगैरह में गए हैं, तो 1 बजे तक आएंगे। तो अभी ना हम खाना खाते समय भी उनको मिस कर रहे हैं, अभी वो भी होते तो खा लेते गरम गरम, तो उन लोग के लिए ना रख देंगे। बाकी अब हम लोग ना खाना खा लेते हैं। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे। लंच करने के बाद ना हम घर वाले सभी लोग बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। तो आज ना सभी लोग घर में हैं, तो हम लोगों ने सोचा ना नींबू सानते हैं। तो यहाँ पे ना आज नींबू सानने की तैयारी हो रही है, और नींबू ना खाने में तभी मज़ा आता है जब घर के सभी मेंबर ना गरीब में हो। तो आज सभी लोग घर में हैं, तो हमारे साथ साथ ना ड्यूटी वाले भी खा लेंगे, और दिन तो ड्यूटी जाते हैं ना, लेकिन आज सब लोग खा लेंगे। और यहाँ पे ना हमने नींबू सानने की आधी प्रक्रिया शुरू कर दी है, नींबू छील दिए हैं दीदी ने। बाकी यहाँ पे सेब रखा है, इसको मैं काटती हूँ, और पतिदेव को भेजा है हम लोगों ने और फ्रूट्स लेके आने को। अब पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, जाने का मन तो नहीं था लेकिन बड़ी मुश्किल से गए हैं, क्योंकि होता है ना जिस दिन हमारे घर के ना दोनों भाई घर में रहते हैं ना, उस दिन इनको बिल्कुल भी उज्जी नहीं आती है। यहाँ पे रेडी हो चुका है, और नींबू में ना हम लोगों ने सुबह जो हरा नमक पिसा हुआ था ना इसको भी डाल दिया है। अब इसको है सानने की तैयारी। तो हम लोग ना चम्मच से तो नहीं सानेंगे, क्योंकि चम्मच से ना अच्छे से मसाला मिलता नहीं है, यानी कि नमक, तो हम लोग ना इसको हाथ से ही सानेंगे। ओ गुन्नू, गुन्नू, ईशु, ओ दक्षु। नींबू वगैरह खा लिया है। नींबू वगैरह खाने के बाद ना अभी भैया से पूछते हैं अब क्या खाना है। हाँ, क्या खाना है अब? ब्रेड पकौड़े। उसके बाद? उसके बाद क्या खाओगी मम्मी? मम्मी तो कोई डिमांड ही नहीं कर रही है। पहले ये वाला खाना एडजस्ट हो जाए, फिर देखेंगे आगे। अच्छा, अभी भैया बोल रहे थे ना अब ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, उसके बाद रात को खाने में ना भांग की चटनी बनाएंगे। आज ना मतलब सुबह से घर में है तो इन्हीं की फरमाइश हो रही है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ। बाकी नींबू बना इन्हीं लोग की डिमांड पे बनाया था। अब थोड़ी देर बाद ना ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, बोला अब
तो ब्रेड पकौड़ा वगैरह तो कुछ नहीं बनने वाला है, नींबू खा लिया है। नींबू खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा शाम को। थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया और अभी मैं उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने दलिया भी रख दिया है पकाने के लिए, साथ में गाय बच्चों को घास वगैरह भी डाल दिया है और अब काम भी हो चुका है। बाकी दीदी ना अभी तक सोई है, तो दीदी को ना फटाफट से उठाती हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलते हैं दीदी के कमरे में ना आवाज़ लगाते हैं। भैया भैया, ओ दीदी को उठा दो यार चाय बनाने के लिए। दीदी को उठा दो चाय बनाने के लिए, शिवा उठा दो यार, मम्मी खेत में है। शिवा सोने दे बोल उसको, देख रहे हो। तो भैया ने ना आवाज़ लगा दी है दीदी को। अब मैं फटाफट से गोबर फेंक के आती हूँ, फिर हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मंजू शाम हो गई बोल, देख रहे उठाने का तरीका। मम्मी ना हम लोग आराम कर रहे थे, मम्मी लहसुन गोड़ने के लिए गई है। सासू माँ को भी ना सही में चैन नहीं है भाई गोड़। मम्मी ना बोल रही थी लहसुन में थोड़ा झाड़ हो रहा है और वहीं चली गई थी और अभी भी ना खेत में ही है। तो मम्मी ने ना दो क्यारियाँ गोड़ दी है, एक उधर वाली और एक इधर वाली, अभी तीन क्यारियाँ और हैं। तो मम्मी ना घर को भी नहीं आ रही, मम्मी बोली चाय यहीं पर ले आ, ठंडा होने लग गया, चलो ना वहीं पियोगे। तो हम लोग ना बच्चों के साथ रेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन मम्मी ना अपना काम करना है तो करना है। मम्मी जब ठान लेती है ना लहसुन गोड़ने जाना है जाना है, सुबह से ना लगाया था मम्मी ने, तो मम्मी ना अपना काम करने लग गई यानी कि लहसुन गोड़ने का। बाकी हम लोग ना सच में रेस्ट कर रहे थे और मम्मी ना हमें लहसुन गोड़ने देती भी नहीं है क्योंकि हमसे ना लहसुन टूट जाता है और मम्मी बोलती है ना मैं ही करूँगी, जबकि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब रहती है फिर भी मम्मी लहसुन गोड़ने का काम खुद ही करती है। और इस बार तो हम लोगों ने ना 5 क्यारियों में लहसुन लगाया हुआ है और लहसुन ना हमारा हो जाता है, वैसे घर का ही लहसुन हम लोग को ना मिल जाता है खाने के लिए। तो अब चलते हैं, परात को भी रखते हैं, बाकी देखते हैं हमारी जेठानी साहिबा उठी या नहीं उठी या चाय बनाई या नहीं बनाई। काम करने के बाद ना अभी हम लोग निकल रहे हैं बाजार के लिए, थोड़ा सा बच्चों के लिए ना कपड़े वगैरह लेके आने हैं, टोपी वगैरह, क्योंकि धीरे धीरे ना ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो फटाफट से चलते हैं और इनके लिए ना टोपी वगैरह लेके आते हैं। मार्केट आने के बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग करी थी, बच्चों की शॉपिंग करने के बाद ना अब अपनी शॉपिंग भी कर लेते हैं, यानी कि ना गर्म सूट चाहिए थे तो उसकी ना शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बाकी यहाँ पे ना आज भीड़ भाड़ भी नहीं है क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है शादी का, तो हल्की फुल्की भीड़ है। और आप लोग को पता ही है हम लोग कहाँ से सूट लेते हैं, हमारी एक ही दुकान है स्वर्णलाल, हम ना सारी शॉपिंग यहीं से करते हैं, चाहे साड़ी हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इस बीच हम लोगों ने साड़ी यहाँ से नहीं बनाई थी, इस बार हम लोगों ने वूलन के सूट यहाँ से सोचे बनाने के, तो यहाँ से ना बहुत सारे सूट आए हैं तो यहाँ से हम लोग ना सूट लेके जाते हैं। बाकी मैंने ना अभी तक कैमरा नहीं निकाला था, भैया बोले थे आज हमारा कैमरा कहाँ है बोला। तो यहाँ पे ना थान के पीस लगे हुए हैं और इन्हीं की मैचिंग करना आप सलवार भी ले सकते हो, तो मैं इन्हीं में से ना अपने लिए सूट छाट रही हूँ। बाकी ये सूट ना काफ़ी ज़्यादा ना मस्त लग रहे हैं। हम लोग ना कपड़ों की शॉपिंग कर ही रहे थे और उतने में ना हमें हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी मैंने इस टाइम कैमरा ऑफ किया हुआ था, लेकिन जब वो जा रहे थे ना मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ भी वीडियो बना लेते हैं, और ये ना हमारी डेली वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए भी। बाकी इनको ना हमारी जेठानी जी की, आई मिस यू बहुत डियर, बाकी हमारी जेठानी जी को भी मिस कर रहे हैं, अगली बार हमें वो जरूर मिले। ये ना हमारी वीडियो यही लोकल से ही देखते हैं, हल्द्वानी से ही। बाकी जेठानी जी मेरे से तो ज्यादा, मेरी जेठानी जी को ज्यादा प्यार मिलता है, मैं जहाँ जाती हूँ ना मैं जेठानी जी को बहुत प्यार मिलता है। जेठानी जी आपकी सास भी बहुत अच्छी है, आपकी पूरी फैमिली अच्छी है यार। तो चलिए तो हो ही, आपके जरिए तो हमें सबको हर कोई देखने को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है जब कोई आपकी वीडियो देखता है और आप लोग को पसंद करता है तो अच्छा लगता है ना, तो वही चीज़ ना मुझे भी अच्छी लग रही है, बाकी परिवार वालों के साथ भी। आज भी मैं फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो में ऐसे बोल रही हूँ, वरना मैं किसी के वीडियो में जाती नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, इन लोगों की भी शॉपिंग हो चुकी है, हमारी भी, अब इन लोगों को भी बाय बाय बोलते हैं और हम लोग भी चलते हैं। बाकी फैमिली वालों को ना इन लोगों की तरफ से बहुत सारा मिस यू, ठीक है, बाय। यहाँ पे ना भैया है और ये भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो भैया बताए क्या बोल रहे हैं मुझसे, भैया बोल रहे हैं हम तो रोज देखते हैं पर तुम्हारी वीडियो कभी हमको तो नहीं लिया, बोल तुमने कैमरे में। तो आज ना इनको भी ले लेती हूँ, फोकस करके लेती हूँ, जो जूम करके लेती हूँ उनको मैं ऐसे कर, ये हम लोग भी मार्केट से घर आ चुके हैं और मार्केट से क्या क्या लेके आए थे ना वो घर वालों को भी दिखा दिया है। बाकी मम्मी लोगों को भी मैंने बता दिया है कि हमें स्वर्णलाल के वहाँ भी सब्सक्राइबर मिले थे और इन लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, और मुझे ना एक सब्सक्राइबर और मिले थे सौरभ वाले के वहाँ, तो वहाँ ना वीडियो बनाने जैसा भी नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और उनकी दुकान भी छोटी है ना, तो वहाँ वीडियो भी नहीं बना पाई। बाकी जो स्वर्णलाल के वहाँ मिले थे ना उनकी वीडियो भी बनाई और वो ना तुम्हें बहुत सारा याद कर रहे थे, क्या बोलना चाहोगे उनको? थैंक यू। तो चलिए जी, अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, बाकी घर आके ना खाना भी रेडी हो रखा है। तो दीदी तो यहाँ पे खा रही है खाना और मम्मी लोग ना अपने रूम में खा रहे हैं खाना। अरे बाहर नहीं है वो, वहाँ रख दिया मैंने उनका खाना, बाहर ही दे दिया। क्यों? नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते, कर रहे थे रोज ड्रामे करते हैं, बाहर रख दिया मैंने।
हॉटकेस लाई में छोटा वाला हॉटकेस निकाला ऊपर से गरम गरम वहीं रख दिया। पापा कह रहे मेरे को अलग कर रहे, मैंने कहा हाँ हाँ जाओ वहाँ पर बैठ के खा लो। और हम लोग घर आए ना, हम लोग को ये सब सुनने को मिल रहा है, जेठानी जी ने ना पापा मम्मी को हमारे घर आने तक ना अलग अलग कर दिया है, खाना भी अलग ही दे दिया है हॉटकेस में पैक करके, और अपना ना मस्त करके किचन में बैठ के खा रहे हैं। तो पापा को ना कहाँ पे दे रखा है खाना वो भी देख के आते हैं। वो अच्छे से पैक करके दे रखा है मैंने। मैंने बोला पापा, बोले मैं रोटी बना रही, इतनी जल्दी जा खा के मैं कहाँ जाऊँगा। पापा रोज ही ऐसा कहते हैं। मम्मी ने तो खा लिया था चुपचाप से। पापा बोल रहे थे इतनी जल्दी खाना खा के तुम लोग मुझे परेशान कर देते हो, यह वह बोल रहे थे। फिर से मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अरे बेटा मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे कह रहे थे। फिर मैंने कहा क्या करूँ, फिर बताओ मतलब सॉल्यूशन क्या निकालूँ मैं। मैंने कहा रुको तुम यहीं पर रुको, तुम रोटी देखो। मैं फटाफट हॉटकेस लाई, चार रोटी मडवे की हॉटकेस में रखी और सब्जी रखी, उनको पैक करके वहीं दे दिया मैंने। सही करा नहीं करा? अब पापा खाते ही नहीं हमारे साथ, देर में खाते हैं। हाँ, तो मतलब सही करा नहीं करा? सही करा पापा को, हॉट केस में तो रख के गर्म ही रहती है। मतलब तुम मेरा पक्ष ले रही हो ना, मुकर तो नहीं जाओगी। पता चला कल के दिन पापा ने कहा वो बड़ी वाली ने तो मुझे ऐसा भी तो डराया, और वो बड़ी वाली ने मेरे को बिल्कुल हॉट केस में रख के दे दिया। नहीं नहीं पापा खाते नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, गर्म गर्म दे दिया उनको, अपना खाते हैं। तो देख के आते हैं ना पापा को कहाँ पे खाना दे रखा है और पापा क्या कर रहे हैं। हाँ तो पापा ना कमरे में आके खाना खा रहे हैं, बाकी पापा को ना यहाँ पे हॉटकेस में दे रखा है खाना, हॉटकेस साथ में ढक्कन लगा रखा है ऐसे, साथ में है मडवे की रोटी और सब्जी। पापा मम्मी ये गिरी पैसा आने तक खिलाती हूँ, बोल उनको लस्सी बनाने वाली। दुनिया मतलब की है ना, दुनिया मतलब की है का। तो अंकल जी पापा ना भैरव मंदिर जाते हैं, आप लोगों ने सही बोला था। बाकी यहाँ पे ना मम्मी पापा के लिए लस्सी भी बना के ले आई है, एक ने तो खाना खाना अलग से दे दिया, एक बेचारे लस्सी बना के ला रहे हैं पापा के लिए। तो अब लस्सी वगैरह पीते हैं पापा और खाना वाना खाते हैं। पापा इन्हें तुमको अलग से क्यों दिया, क्या अलग से खाना? गर्म रोटी मांगी, गर्म हॉटकेस में पैक करके दिया। देखो पापा बुराई नहीं कर रहे, बुराई की देखो। नहीं नहीं हॉटकेस में पैक करके क्यों दिया? गर्म चाहिए थी ना, गर्म रोटी ये छोटा हॉटकेस लाई मैं। मेरे बच्चे करते हैं यार, मेरी सेवा ऐसे कुछ नहीं है। पता नहीं पति भी देख रही हो, गुड। और आज पापा के बालों में ना मेहंदी कर रखी पापा मम्मी ने, तो बाल ना काफी ज्यादा सिल्की भी हो रहे हैं। मैं ना मेरे मन की इच्छा क्या बताऊं, मैं मरूंगा मेरी ये करेगा बड़ा बेटा करता है ना, इसके दाढ़ी बाल पालने यार तीन बार में खाना हो गया, एक साल की जो है हो तू तो कर लेगा, तेरे पे भरोसा है, इस पे भरोसा नहीं है मुझे। वो भाई अभी वहाँ करता मैं अच्छा कर रहा करूँ करूँ करे ना करे वो तो भोले बाबा जानेगा, लेकिन होता है वो बड़े बाप के में बड़ा बेटा करता है, माँ के में छोटा करता है। ये तुम्हारा जो करेगा ना उसको तुम्हारे तरह ही होना पड़ेगा, तब तुम तारण होगा। छोड़नी पड़ेगी तो तुम पीते हो, तो तुम्हारा पूरा नियम उन्होंने करना पड़ेगा ना भैया, तुम पीते हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि तुम पीते हो तो उनको भी पीना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तभी तुम्हारा तारण होगा। तभी ठीक है, मीट मांस मत खाना बस हो गया। शाम को हाँ तुम रख जाना, साल भर तक का खर्चा भी रख जाना इनके लिए। पेटी रख जाना पेटी। मैं अपने बाप का बिल्कुल नियम से कर रहा हूँ। पापा से ना अभी तक हमारी जो बातें हो रही थी ना वो मजाक में हो रही थी, क्योंकि पापा ना शाम के टाइम पे थोड़ा अलग ही माहौल में चलते हैं, तो हम लोग ने भी ना उनसे मजाक करते हैं। और पापा ने ना इतने साल हो गए मैं शादी को, कभी आज तक हमको डांटा नहीं है, कभी हमसे ऐसे बात नहीं करी है, बस वो जो भी बात करते हैं ना नॉर्मली करते हैं, मजाक में करते हैं, और हम भी ना फुल मजे लेते हैं उनके साथ। तो इसी के साथ ना आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बर्तन धोने चले हम भी। आइए चलो 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 बर्तन चलो 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 पापा इस पर रखिए। बहुत पोटल करेली तुम बोलियो तेरा तुझको अर्पण, ये अपना घर के संभाल के रखना। 1 2 3 स्टार्ट। ठुमक ठुमक जब गिरती चाहे तू पहाड़ पर टुमा, चम चमा पायल बजनी बजनी कर खुजामा, लाल कर कंगन में चूड़ी बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे।
बदरंग में सतरंगा है इश्क रे।